हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूं 10 और 11 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर शो में हम थोड़ा अलग करेंगे, अलग इन द सेंस कि हमने अपने करंट अफेयर शो को चार भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला भाग होगा टॉप न्यूज ऑफ द डे, यानी कि हम देखेंगे कौन कौन से न्यूज जो है टॉप पे चल रहे हैं, और ये जो है न्यूज ऐसे हैं जो कि एक लाइन में भी डिस्कस किए जा सकते हैं। दूसरा हमारा सेक्शन होगा करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर, जिसपे हम मैक्सिमम फोकस करेंगे, और लगभग यहाँ पे हम लोग 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितने? तो 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज के करंट अफेयर से जो भी इम्पोर्टेंट जीके बनेगा, उसके लिए हमने स्टैटिक जीके के लिए एक अलग सेक्शन बनाया है, तो उसको सुनने के लिए आपको लास्ट तक जो है बने रहना पड़ेगा। और फिर हमने आज के करंट अफेयर में इससे ही एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन रखा है, जिसका नाम है आज का डिस्कशन। सो वो आज के किसी टॉपिक पे ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने करंट अफेयर्स को चार भागों में डिवाइड किया है, और यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो बने रहिए और शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो की। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले, यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में, रिलेटिव्स या किसी भी स्टडी ग्रुप में हो तो वहां शेयर करें, जिससे कि इसका फायदा मैक्सिमम लोगों को पहुंच सके। इसके अलावा बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को क्वालिटी करंट अफेयर्स का जो है नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे, ठीक है। और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले, जिससे कि वी नो दैट हाउ टू इम्प्रूव, क्या क्या इम्प्रूव करना है, बाकी चैनल्स के मुकाबले हमें क्या कमी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इन सारी कमियों को पूरा करें और एक लेवल पे पहुंचे जहां पे आप कहें कि यस, करंट अफेयर यूनिवर्स इज द बेस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के टॉप न्यूज ऑफ द डे। तो सबसे पहला है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। क्या है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आज 11 जुलाई है, तो आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और थीम क्या है आज का? कि हाउ टू सेफगार्ड विमेन एंड गर्ल्स इन दिस पैंडेमिक एरा, यानी कि कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, तो हमें गर्ल्स और वुमेन्स को कैसे सेफगार्ड करना है, यही इसका थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 का। हमारा दूसरा न्यूज है एनडीएमए सजेस्ट लाइटनिंग सेफ्टी टिप्स। तो जैसा कि हमारे को पता है कि अभी हाल ही में बिहार में जो है लगभग 150 से ज्यादा लोग जो है लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरने से मर गए, तो उसके बाद जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने जो है लाइटनिंग सेफ्टी टिप्स दिए हैं, ठीक है। तो ये जो है आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके जरूर देखें कि वो सेफ्टी टिप्स क्या है। तीसरा, BCCI CEO राहुल जौहरी इज रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड। सो BCCI के CEO राहुल जौहरी जो है उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। काफी दिन से ये लंबित था और अब जाके कल जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है राहुल जौहरी का रेजिग्नेशन। सो BCCI बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, यानी कि जो आपका क्रिकेट का जो रेगुलेशन बॉडी है वो कौन सा है? BCCI। और उसके चेयरमैन कौन है? तो सौरव गांगुली। और ये आया कब था BCCI? तो ये आपका आया था December 1928 में। कब आया था? तो December 1928 में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को जीके भी डिस्कस करता रहूंगा, इसके अलावा अलग से स्टैटिक जीके जो है वो भी होगा, ठीक है। पहले तो करंट अफेयर से रिलेटेड, इसके अलावा करंट अफेयर से जो एकदम पीछे के हैं, जो कि एकदम ट्रेडिशनल जीके हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। अब अगला न्यूज है ICMR प्लान्स सेरो सर्वे, ये याद रखना है, टू डिटेक्ट एक्सटेंट ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन। तो ICMR जो है पूरे नेशन में सेरो सर्वे करने का प्लान कर रहा है। अब सेरो सर्वे होता क्या है? सेरो यानी कि इसमें रैंडमली जो है ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और ये देखा जाएगा कि आपको COVID-19 का इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब ये पता कैसे लगेगा? अब COVID-19 के लगभग 85% ऐसे मरीज हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं था, वो उनको हुआ भी और ठीक भी हो गए। लेकिन जी हाँ, जो भी COVID-19 से ठीक हो रहा है उसमें एक चीज डेवलप होती है, वो क्या होती है? एंटीबॉडी। क्या डेवलप होती है? एंटीबॉडी, ठीक है। तो इस एंटीबॉडी का पता किससे लगेगा? इस एंटीबॉडी का पता जो है किससे लगेगा? सेरो सर्वे से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेरोलॉजिकल सर्वे। और अभी हाल ही में जो है लगभग 20,000 सैंपल्स कहां से इकट्ठे किए गए? तो दिल्ली से इकट्ठे किए गए, और उसका रिजल्ट जो है अभी अंडर प्रोसेस है, और आएगा तो हमें पता लगेगा कि दिल्ली के अंदर जो है एक्सटेंट ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन कितना है, ओके। और ICMR की बात हुई है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसके जो है डायरेक्टर जनरल कौन है? बलराम भार्गव। कौन है? तो बलराम भार्गव, ठीक है।
हमारा अगला न्यूज है फ्रांस नोट्रे डेम कैथेड्रल टू बी रीबिल्ट द सेम एज बिफोर। तो फ्रांस का जो है नोट्रे डेम कैथेड्रल जो है इसको जैसा पहले के टाइम पे था उसी तरीके से इसको गॉथिक आर्ट से वापस रीबिल्ट किया जाएगा, जिससे कि इसका गॉथिक आर्ट जो पहले था वो वापस से सेम जो है रिफ्लेक्ट करे। और ये नोट्रे डेम कैथेड्रल है कहाँ, तो ये नोट्रे डेम कैथेड्रल आपका जो है कहाँ है, तो पेरिस में, ठीक है, फ्रांस में भी कहाँ है, ये पेरिस में है, ठीक है। और फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है आपके इमैनुअल मैक्रोन। और अभी हमें पता है, आप लोगों को मैं एक फ्लैशबैक दे दूं कि अभी फ्रांस के जो है प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए थे, ठीक है, एडवर्ड फिलिप, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, और जीन कैस्टेक्स जो है ये नए प्रधानमंत्री बने थे। तो ये आपको याद रखना है, जीन कैस्टेक्स नए प्रधानमंत्री, और जी हाँ रिजाइन किन्होंने दिया था, तो एडवर्ड फिलिप्स ने। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। नोट्रे डेम कैथेड्रल क्या है, तो यह है आपका एक काफी ही मतलब टूरिस्ट प्लेस है जिसको कि ये लोग रीबिल्ट करेंगे, ठीक है, पेरिस में। हमारा अगला न्यूज है ट्रॉपिकल स्टॉर्म फे टू हिट न्यूयॉर्क। तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है फे क्या है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, ये किसको हिट करेगा, तो न्यूयॉर्क को हिट करेगा। अब जैसे पता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है फे नाम है, इंडिया में अभी कौन कौन सा आया था, इंडिया में अभी अम्फन आया था, कौन सा आया था, अम्फन आया था, ठीक है, तो जिसने बंगाल में काफी तबाही मचाई थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया में हम इसको क्या कहते हैं, चक्रवाती तूफान, इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को, लेकिन अलग अलग रीजन्स में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसा कि जापान में इसको हम टॉर्नेडो बोलते हैं, और आपका करेबियन रीजन में इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग करेबियन रीजन में क्या बोलते हैं, आपका ह्यूरिकेन बोलते हैं, और सॉरी टॉर्नेडो जो है ये यूएस रीजन में बोलते हैं, और टाइफून जो है जापान में बोलते हैं, प्लस विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। तो चार जगह, विली विली ऑस्ट्रेलिया आपका, टाइफून जापान में, टॉर्नेडो आपका यूएस में, हरिकेन आपका करीबियन रीजन में, और ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है हम लोग साइक्लोन तो बोलते ही है कहां पे, इंडिया रीजन में, ठीक है। अब यहां से इतनी मिल गई, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। डॉक्टर हर्षवर्धन रिलीजेस व्हाइट पेपर ऑन फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड 19। तो ये जो है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो है ये जो है क्या एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, और ये कहा है कि कोविड 19 से निपटने के बाद भारत में किस तरीके से जो है मेक इन इंडिया के अंतर्गत फोकस इंटरवेंशन करके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए और भारत एक आत्मनिर्भर भारत बने, ठीक है। और इस पेपर को प्रिपेयर किया है किसने, तो टिफैक। सो टिफैक जो है आपका टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो है आपका फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल है, क्या है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन आपका फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। और इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है आपके वीके सारस्वत, जो कि नीति आयोग के भी मेंबर हैं, ठीक है। तो टिफेक के चेयरमैन कौन है, वीके सारस्वत, जो कि नीति आयोग के भी मेंबर हैं। अब अगला न्यूज है हमारा इंडिया टू इनवाइट ऑस्ट्रेलिया टू मलाबार नेवल एक्सरसाइज। सो क्वाड स्टैंड्स अप टू चाइना। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है और जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि इससे अगर किसी एक नेशन को दिक्कत होने वाली है तो वो कौन सा है, वो है आपका चाइना। सो अब तक जो है जो मलाबार एक्सरसाइज जो कि भारत और यूएस के बीच में 1992 में चालू हुआ था, कब चालू हुआ था, 1992 में, और बाद में जो है इससे जापान जुड़ा और आपका सिंगापुर भी जुड़ा। अब जो है इसमें जाके इंडिया, यूएस, जापान और चौथा कौन हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया, और ये मिलके क्या बनेंगे, ये मिलके बनेंगे आपके क्वाड। क्या बनेंगे, तो क्वाड, ठीक है, क्वाड यानी कि चार नेशन, क्वाड्रिलेटरल होता है तो चार नेशन। और इसी से चाइना को अब क्या है कि बहुत बड़ा जो है मुसीबत हो रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो चार नेशन जो बड़े बड़े नेशन है वो एक साथ आ रहे हैं, और खास करके डेमोक्रेटिक नेशन है, तो ये चाइना के लिए जो है एक चिंता का विषय भी है। और इसको शुरू 2015 में भी ट्राई किया गया था क्वाड को लेकर, लेकिन चाइना ने इसका काफी पुरजोर विरोध किया था, ठीक है। अब अगला न्यूज है हमारा अननोन न्यूमोनिया सर्फेसेस इन कजाकिस्तान। सो कजाकिस्तान में जो है अब एक अननोन न्यूमोनिया जो है ये सरफेस किया है, जिससे अब तक जो है लगभग 1772 लोग मर चुके हैं, ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और इसके बाद चाइना ने जो है क्या कहा है कि अपने निवासियों को बोला है कि एक अननोन न्यूमोनिया है, उससे बच के रहें, उस देश से आप लोग बाहर निकल जाएं। तो कजाकिस्तान जो है ये आपका सेंट्रल एशिया का कंट्री है, ठीक है, और इसका कैपिटल करेंसी हम
आगे एक क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अननोन निमोनिया कहां से फेस हुआ है, तो कजाकिस्तान में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप न्यूज ऑफ द डे। अब बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर शो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे करंट अफेयर जो पेज जो है करंट अफेयर यूनिवर्स के नाम से फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो भी करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हु रिजाइंड एज द हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट। तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसने इस्तीफा दिया, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष में किसने इस्तीफा दिया, तो आपका मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने। किसने, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, मोहम्मद मुश्ताक अहमद। और इनको रिप्लेस जो है इंटरिम तौर पे कौन करेंगे, तो ज्ञानेंद्र निगोमबाम। कौन करेंगे, ज्ञानेंद्र निगोमबाम जो है ये हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट हैं। मोहम्मद मुश्ताक अहमद इन्होंने रिजाइन दिया है, और नरेंद्र ध्रुव बत्रा ये किसके हैं प्रेसिडेंट, तो ये हैं आपके आईओए के। किसके प्रेसिडेंट है, आईओए यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हैं। और राहुल जौहरी हमने देखा ये बीसीसीआई के क्या थे, ये सीईओ थे। ठीक है, अब जब हॉकी इंडिया की बात हुई है तो ये कब आया था, ये आपका 2009 में आया था। ठीक है, कब आया था, तो हॉकी इंडिया 2009 में आया था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आपका 1927 में आया था, और आपका जो है बीसीसीआई मैंने जैसा पहले बताया दिसंबर 1928 में आया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विच कंट्री ब्रॉट अ रेजोल्यूशन इन द यूएन टू लिमिट एड डिलीवरीज टू नॉर्थ वेस्ट सीरिया। सो किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में उत्तर पश्चिम सीरिया को सहायता पहुंचाने के लिए एक प्रस्ताव लाया है, तो ये कौन सा देश है, तो ये है आपका डी यानी कि रशिया। ठीक है, सो रशिया ने है जो एक प्रस्ताव लाया जिसमें उसने ये कहा कि अब तक जो सीरिया में एड डिलीवरी होती थी वो टर्की से दो क्रॉसिंग पॉइंट से होती थी, बब अल हवा और यहां देखिए बब अल हवा और आपका बब अल सलाम। सो ये जो दो है टर्की से दो क्रॉसिंग पॉइंट है जो सीरिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, यानी आपका इस रीजन में नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या कि एड डिलीवरी सप्लाई करता था, लेकिन रशिया ने क्या किया कि अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया और उसने कहा कि इसको जो है क्या करना है, इसको रेस्ट्रिक्ट करना है केवल बब अल हवा। अब बब अल हवा कहां है, तो बब अल हवा जो है यहां है, कहां है, तो यहां है आपका बब अल हवा जो कि इदलिब के पास में है। इदलिब क्या था कि इदलिब जो है अभी जो रेबल्स हैं, ठीक है, जो कि सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये जो रेबल्स हैं किससे सपोर्टेड है, आपका ईयू और यूएसए से, और जो सीरिया की जो गवर्नमेंट है वो है कौन, तो बशर अल असाद। सो बशर अल असाद जो है वो किससे सपोर्टेड है, आपका रशिया और चाइना इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि इदलिब और जो अलेपो है, ठीक है, सो इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है कि जो आपके रेबल्स रह रहे हैं वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए क्या था कि दो क्रॉसिंग पॉइंट थे, लेकिन रशिया ने क्या रेजोल्यूशन लाया कि भाई अब क्या करना है कि बबल हवात में ही रेस्ट्रिक्ट करना है, और जो है जो बब अल सलाम है उसको बंद कर देना है। तो इसके अपोजिशन में क्या हुआ, इस 15 जो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर हैं, तो 15 में से 9 लोगों ने इसको क्या कर दिया, सीधा रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इस रेजोल्यूशन को, और ये इसलिए कि कहा कि ये बहुत ही बड़ा मानवीय संकट जो है उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, मानवीय संकट उत्पन्न करेगा, और ये जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है ये सीरिया की जो असद रिजीम है यानी बशर अल असद ने इसी ने क्रिएट किया है। लेकिन रशिया क्या कहता है कि नहीं, बशर अल असद जो है ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और ईयू यूएसए फ्रांस जो है मिलकर इसको अनसेटल करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, सबके अपने अपने हित हैं और सब इस जियोपॉलिटिकल उसमें अपने अपने हित साथ रहे हैं। सीरिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री था जिसका हम जीके में देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक है, अब बात उठती है कि बब अल हवा तो यहां पे है, बब अल सलाम यहां है, तो ये दो क्रॉसिंग पॉइंट है, ये टर्की है आपका। अब ये देखिए सीरिया का जो ये पार्ट है जो दिख रहा है आपको वायलेट रंग में थोड़ा सा, ये टर्किश ट्रूप ने क्लेम किया हुआ है। ये जो है आपका जो आपका बाउंड्री देख रहे हैं, तो ये आपका टर्किश बैक्ड रेबल्स हैं। ये आपके जो ये एरिया दिख रहा है ग्रे एरिया, ये आपके जिहादिस्ट हैं जिसको कि ईयू और यूएसए का सपोर्ट है,
और ये जो पूरा रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये जो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, और ये जो हल्का सा ग्रीन है आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा डार्क ग्रीन, यहां पे क्या है कि यहां तक रेबल्स का जो कैप्चर था अब गवर्नमेंट ने कहां तक आपका एलेपो से भी अंदर तक ढकेल दिया, पीछे तक ढकेल दिया है जिहादिस्ट को। तो ये लड़ाई जो है काफी दिनों से चल रही है और चल रही है, और सबसे बड़ा एक तरह से समझिए कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। ठीक है, आई होप आपको जो है काफी हद तक यहाँ पे समझ में आ गया होगा सीरिया का जो क्राइसिस है, ये कैसे यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं। अब इसी में से एक फ्लैशबैक जो है हमारे को देखना है, मैंने इसमें एक फ्लैशबैक जो है एक नया वो ऐड किया है, कि यानी कि वो करंट अफेयर जो कि भी हाल ही में न्यूज में थे। तो क्या, तो इंडिया जो है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर क्या हुआ है, आपका नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है, किसका, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो कब हुआ था, तो आपका जून 2020, स्पेसिफिकली बोले तो 18 जून 2020 को, और इंडिया आयरलैंड मेक्सिको और नॉर्वे के साथ जो है क्या यूएन सिक्योरिटी मेंबर काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है। ओके, अब इंडिया कितनी बार इलेक्ट हुआ है, तो इंडिया जो है मतलब जब से स्थापना हुई है यूएन की 1945 से 8वीं बार इलेक्ट हुआ है। कितनी बार, 8वीं बार इलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी इंडिया की ओर से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन को अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, रविचंद्र जो थे वो तो रिप्लेस हो गए हैं, लेकिन एक परमानेंट स्थायी सदस्य यूएन के लिए अपॉइंट हुए हैं, ये आपको बताना है। तो उनका नाम बताना है, कौन है इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि विच सोलार पावर प्लांट इज इंडिया ओनली प्लांट टू सॉरी इंडिया ओनली प्लान टू ऑब्टेन अ कंसेशनल लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक आईएफसी। सो विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से रियायती ऋण प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि रेवा सोलार पार्क। तो रीवा सोलार पार्क जो है ये एकमात्र ऐसा सौर ऊर्जा संयंत्र है जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइनेंस किया गया है, और जिसका उद्घाटन किसने किया, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 10 जुलाई को इसका उद्घाटन किया, और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है सोलार पावर प्लांट है, और इसकी कितनी क्षमता है, 750 मेगावाट। कितनी क्षमता है, तो 750 मेगावाट जो है इसकी कुल क्षमता है। यहां पे देख लेते हैं, तो ये जो सोलार पावर पार्क है ये देख लीजिए, ये है आपका रीवा के गुड़ एरिया में, रीवा के गुड़ एरिया में है, और ये जो है 1500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसको बनाया है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलार पावर लिमिटेड। किसने बनाया है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलार लिमिटेड, और ये जो RUMSL है ये ज्वाइंट वेंचर है सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो इन दो लोगों का ज्वाइंट वेंचर है, प्लस इसमें 3 यूनिट होंगे 250 250 मेगावाट के। और ये देखिए, ये पहला प्रोजेक्ट है सोलार पावर प्रोजेक्ट जो कि क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से जो है इसको क्या किया गया है, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से इसको जो है फंड किया गया है, और ये भारत का एकमात्र सोलार पावर प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने क्या किया, इसको फाइनेंस किया है। अब इसमें बात उठती है कि भारत का सबसे बड़ा सोलार पावर पार्क कहां है। ठीक है, तो यहां देखिए कि भारत का जो सबसे बड़ा सोलार पावर पार्क है वो है भदला सोलार पावर पार्क, और ये कहाँ है, ये है आपका जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, कहाँ है, तो जोधपुर राजस्थान में है भदला सोलार पावर पार्क, और इसकी कुल क्षमता है 2250 मेगावाट। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पे आता है आपका शक्ति स्थल सोलार पावर पार्क, ये 2019 तक का। ठीक है, तो शक्ति स्थल जो है ये कर्नाटका में है और इसकी जो कुल क्षमता है 2050 है। ठीक है, और ये कर्नाटका के तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ, तो कर्नाटका के तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में है शक्ति स्थल सोलार पावर पार्क। तीसरा है आपका अल्ट्रा मेगा सोलार पार्क, तो अल्ट्रा मेगा सोलार पार्क ये 1000 मेगावाट का है, और ये कहाँ है आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है। तो ये आप जान गए बाकी सोलार पावर पार्क के बारे में। अब जब सोलार पावर पार्क की बात हुई है तो हम लोग जरा सोलार पावर इन इंडिया भी देखते हैं कि भारत में सोलार पावर कितना जनरेट होता है। तो अब तक भारत के अंदर जो कुल इंस्टॉल्ड सोलार पावर प्लांट कैपेसिटी है वो कितनी है,
30 गीगावाट की है। कितनी है? 30 गीगावाट की। और इंडिया जो है एशिया के अंदर तीसरा देश है और पूरे विश्व में चौथा देश है। किसमें? तो सोलार पावर प्रोडक्शन के टर्म्स में। इसके अलावा भारत ने जो है नेशनल सोलार मिशन जो है लॉन्च किया था 2010 में, जिसका टारगेट था 20 गीगावाट पहले रखा गया था कि 20 गीगावाट हमको सोलार पावर बनाना है। कब तक? तो 2020 तक, लेकिन बाद में इसको रिवाइज करके कर दिया गया 100 गीगावाट बाय 2022। ठीक है, क्या कर दिया? 100 गीगावाट बाय 2022। अब इसके अलावा जो है भारत ने इंटरनेशनल सोलार अलायंस भी बनाया है। क्या बनाया है? भारत ने इंटरनेशनल सोलार अलायंस भी बनाया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में। इंटरनेशनल सोलार अलायंस जो कि पेरिस क्लाइमेट समिट 2015 के दौरान बनाया गया था, जिसे फ्रांस और किसने, तो आपका फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इसको लॉन्च किया था, इंटरनेशनल सोलार अलायंस को। और इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ? तो गुड़गांव में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कब आया था? 2015 पेरिस क्लाइमेट समिट के दौरान। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेंटर इशूड एडवाइजरी अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स क्लेमिंग रजिस्ट्रेशन अंडर विच स्कीम। तो केंद्र ने किस योजना के तहत पंजीकरण का दावा करने वाली धोखाधड़ी वेबसाइटों के खिलाफ एडवाइजरी जारी की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि पीएम कुसुम योजना, यानी कि पीएम कुसुम स्कीम, यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब जब बात उठी है तो इनको देख लेते हैं। तो जनधन योजना, तो जनधन योजना जो है ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी और ये जो है जैम में से, जैम एक ट्रिनिटी है। ठीक है, जैम ट्रिनिटी आपको पता है, तो मैं बता देता हूं कि जैम ट्रिनिटी क्या है आपका, कि जनधन योजना हो गया जैम जे, ठीक है, ए हो गया आपका आधार और एम हो गया आपका मोबाइल। तो ये जो जैम है ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2014 में और इस जैम के तहत क्या था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि जिन लोगों के पास अकाउंट नहीं है या जिन लोगों के पास सरकार के कार्यक्रम का बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है, तो वो इसके अंतर्गत पहुंचाना था। और वो क्या था कि प्लस उसके डिलीवरी में ट्रांसपेरेंसी लानी थी। तो ये है आपका जैम। तो जैम का जो जे है वो क्या है? जनधन योजना। और वो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ था। अब पीएम उज्ज्वला की बात होती है तो ये जो है 1 मई 2016 को लॉन्च हुआ। कब हुआ? तो 1 मई 2016 को। ठीक है, और मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये आपका 2 फरवरी 2006 में लॉन्च हुआ था। कब? तो 2 फरवरी 2006 में लॉन्च हुआ था। और ये जो कहां से हुआ था, ये बंदापल्ली, आंध्र प्रदेश में गांव है बंदापल्ली, वहां से लॉन्च हुआ था मनरेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके कुछ फैक्ट्स की ओर। तो पीएम कुसुम योजना जो है इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना। क्या नाम है इसका? कुल प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना। इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया था और जिसके मिनिस्टर कौन है? आर के सिंह इसके मिनिस्टर हैं। ठीक है, और किस लिए? कि ऑफ ग्रिड सोलार पंप रूरल एरियाज में लगाना है, जिससे कि ग्रिड पे डिपेंडेंस और ग्रिड कनेक्टेड एरियाज पे डिपेंडेंस जो है कम हो। क्योंकि अभी जैसा पता है कि हमारी जो है कुल एनर्जी रिक्वायरमेंट थर्मल एनर्जी से पूरी होती है और थर्मल एनर्जी किस पे बेस्ड है? वो आपका कोयला पे बेस्ड है, लेकिन उससे पोल्यूशन बहुत होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सोलार एनर्जी जो है एक नया पोटेंशियल है, क्योंकि भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहां पे सन की जो ऊर्जा है काफी मात्रा में उपलब्ध है, तो इसी को कैच करना है। अब ये जो मूवमेंट काफी तेजी पकड़ चुका है, तो उसी के अंतर्गत क्या है कि ऑफ ग्रिड सोलार पंप जो है रूरल एरियाज में लगाना, जिससे कि ग्रिड और ग्रिड कनेक्टेड एरियाज में डिपेंडेंसी कम हो। और ये है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना। अब इसका एम क्या है? इसका एम है फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी। क्या है एम है इसका? फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी। और इसको फरवरी 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको अप्रूवल किया था और गाइडलाइन जो है 2019 जुलाई में इशू किए गए थे। अब इसके अंतर्गत
प्रतिशत क्या है, 2022 तक 25,750 मेगावाट सोलर कैपेसिटी जो है सेटअप करना है, और फाइनेंशियल सपोर्ट कितना होगा, 34,422 करोड़ रुपए। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फ्लैशबैक। मैंने जैसे बताया फ्लैशबैक क्या है कि जो रिसेंट में ही करंट अफेयर्स रहा। तो सबसे पहला क्या है कि मनरेगा को ट्वीक किया गया है अनस्किल्ड वर्कर्स को इंक्लूड करने के लिए। तो किसको ट्वीक किया गया है, मनरेगा को ट्वीक किया गया है अनस्किल्ड वर्कर्स को इंक्लूड करने के लिए, जो कि कम्युनिटी सैनिटेशन वर्क बनाएंगे। और इसके तहत क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान का जो ग्रामीण कंपोनेंट है उसको मनरेगा से जोड़ दिया गया है। तो जो भी माइग्रेंट वर्कर्स जो शहर से गाँव की तरफ पहुंचेगा वो अब मनरेगा के तहत अनस्किल्ड वर्कर कम्युनिटी सैनिटेशन वर्क में काम करेगा, और उसको जो है डेली 200 रुपए क्या है पर डे के हिसाब से डेली वेज मिलेगा, ठीक है। अब जो टोटल एलोकेशन है जब से मतलब कि लॉकडाउन हुआ है मनरेगा पे कितना हो गया है, 1,05,000 करोड़। तो ये अब तक का सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ 24 मार्च को तो गवर्नमेंट ने जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके अंतर्गत क्या है कि 40,000 करोड़ रुपए का एडिशनल अनुदान दिया, जिससे बढ़कर कितना हो गया ये 1.05 लाख करोड़, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कहा है कि जो 3 गैस सिलेंडर की जो फ्री सुविधा उपलब्ध है जो जो भी जो रूरल में रह रहे हैं उनको जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला अंतर्गत के तहत क्या है सितंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जो है हमने और एक क्वेश्चन किया था कि रेलवे जो है कब तक जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन बनना चाहता है, तो कब तक, तो आपका 2030 तक जो है रेलवे क्या है कि पूर्ण जो है सोलार एनर्जी पे क्या है कि निर्भर रहेगा। इसके अलावा जो रीवा जो सोलार पावर प्लांट है, मैं यहाँ पे भूल गया था डिस्कस करना, तो रीवा सोलार पावर प्लांट है ये किसको लाइन वो सप्लाई करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो ये दिल्ली मेट्रो को सप्लाई करेगा। किसको, तो दिल्ली मेट्रो को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है एज अ करंट अफेयर। आई होप यहाँ पे रिविजन हो रहा है तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट हैज डिजाइंड आई गेज कंट्रोल्ड कंप्यूटर इंटरफेस फॉर पीपल विद सीवियर स्पीच एंड मोटर इंपेयरमेंट। सो सीवियर स्पीच और मोटर इंपेयरमेंट से पीड़ित लोगों के लिए किस संस्थान ने आंख के द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर इंटरफेस डिजाइन किया है, तो करेक्ट ऑप्शन है IISc बेंगलुरु, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और इसकी स्थापना जो है जमशेद जी टाटा ने की थी, कब, तो 1909 में, और ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद IIT दिल्ली की बात करें तो ये 1961 में आया था, IIT मद्रास 1959 में, IIT खड़गपुर आपका 1961 में, और ये देश का सबसे पहला जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, ठीक है। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। हमारा छठा क्वेश्चन है कि विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। तो किस पोर्टल को कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि असीम योजना, ठीक है। सो असीम योजना के क्या है, ये एक पोर्टल है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कल लॉन्च किया, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, और असीम का मतलब है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। तो ये क्या है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है ये दिखाया जाएगा कि किस रीजन में और किस लोकल इंडस्ट्री में जो है कितने वर्कर्स जो हैं और कितने वर्कर्स खाली हैं, जिससे जो वर्कर्स का डिमांड सप्लाई गैप है स्किल्ड वर्कफोर्स का वो अक्रॉस द सेक्टर क्या होगा वो पूरा किया जा सकेगा। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है COVID-19 के दौर में, जहां पे स्किल्ड वर्कर्स जो है काफी अनएम्प्लॉयड है, तो जिससे इंडस्ट्रीज को है एक इंटरफेस उपलब्ध रहेगा जहां पे वो देख सकेंगे कि कितने स्किल्ड वर्कर्स अनएम्प्लॉयड है या कहां कितनी कमी है और कहां कितना डिमांड है, जिससे कि उसको ब्रिज किया जाएगा, ठीक है। तो असीम का मतलब क्या है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। अब हमने जो है ऑप्शन ही दिया था तो जी वहीं से फ्लैशबैक निकलता है। तो सबसे पहली बात है 15 जून 2020 को कोल मिनिस्ट्री ने सत्यभामा स्कीम लॉन्च किया था। तो सत्यभामा स्कीम क्या है, तो आपका सत्यभामा स्कीम है
साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। सो माइनिंग में एडवांसमेंट के लिए कोल मंत्रालय ने क्या कि 15 जून 2020 को एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है सत्यभामा। ठीक है, फिर हरियाणा ने जो लॉन्च किया हरियाणा उद्यम सहयोग, जो कि 4 जून 2020 को लॉन्च हुआ। अब जब मैं आत्मनिर्भर भारत पढ़ रहा था तो उसमें एजुकेशन से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था जो शायद किसी की नजर से छूट जाए, तो मैंने सोचा उसको यहां पे बता देना चाहिए। तो क्या है कि नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, ये जो है लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2020 तक, जिसका मकसद क्या है कि जितने भी बच्चे हैं और कि उनका लिटरेसी लेवल और जो आउटकम्स हैं ग्रेड 5 तक, वो 2025 तक क्या हो जाए, वो इम्प्रूव हो जाए। सो एवरी चाइल्ड अटेन्स लर्निंग लेवल एंड आउटकम्स इन ग्रेड 5 बाय 2025, ये इसका मिशन है। किसका? नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूट्रिशन मिशन का, जो कि दिसंबर 2020 में लॉन्च होगा। ओके, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द नेशनल फिश फार्मर डे ऑब्जर्व। सो नेशनल राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया? तो ये कब, तो कल यानी कि 10 जुलाई को ये मनाया गया। और इस दौरान जो है जो एग्रीकल्चर हस्बेंड्री और फिशरीज मिनिस्टर है आपका गिरिराज सिंह, कौन है तो गिरिराज सिंह, श्री गिरिराज सिंह, उन्होंने ये घोषणा की कि सारे देश में जो है अलग अलग उसमें फिश क्रायो बैंक्स बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? फिश क्रायो बैंक्स, जो कि फिश जो है उनके स्पर्म्स के टाइमली अवेलेबिलिटी को फैसिलिटेट करेगा और जो भी फिश फार्मर्स है जैसा भी जिनको डिजायर्ड स्पीसीज है वो मिल सकेगा। तो एक तरह से ये फिश स्पर्म बैंक है, कहां पे रहेगा ये? फिश क्रायो बैंक में। ठीक है, ये पूरे देश में बनेंगे, ये आपको याद रखना है। अब यहां पे जब बात उठी, जब कल नेशनल फिश फार्मर डे था, तो कल जो है किसकी, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की भी बात उठी, जो कि अभी अनाउंस किया गया था। कब? तो 2019 के यूनियन बजट में। कब अनाउंस किया गया था? तो 2019-20 के यूनियन बजट में जो है इसको अनाउंस किया गया था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को। और इस पे कुल लागत कितनी थी? 20,050 करोड़ रुपए। कितनी? तो 20,050 करोड़ रुपए अगले 5 साल के अंदर। और इस स्कीम में ये किया जाएगा कि जो फिश प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्टिविटी है और क्वालिटी है उसके बीच में जो क्रिटिकल गैप्स हैं उसको एड्रेस किया जाए, और प्लस जो है रॉबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और फिशरमैन वेलफेयर को ध्यान में रखा गया है। तो क्या क्या चीजें हैं? क्रिटिकल गैप्स इन फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी मॉडर्नाइजेशन एंड एस्टैब्लिशिंग अ रॉबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड फिशरमैन वेलफेयर। अब इसके अंतर्गत जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है कि फिश प्रोडक्शन को इन्हांस करना 220 लाख मेट्रिक टन तक। कब तक? तो 2024-25 तक। फिर सस्टेन्ड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट लाना फिश प्रोडक्शन में, कितना? 9% का। इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ जीवीए ऑफ फिशरीज सेक्टर, यानी कि जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन। सो एग्रीकल्चर में जो फिशरीज का कंट्रीब्यूशन है उसको 2024-25 तक 9% करना। चौथा है कि एक्सपोर्ट अर्निंग्स को डबल करना, कहां तक ले जाना? तो 1,00,000 करोड़ रुपए तक। कब तक? तो 2024-25 तक। फिर एक्वाकल्चर में प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना 5 टन पर हेक्टर पे, अभी कितना है? 3 टन पर हेक्टर है। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करना 10% तक लाना है 2024-25 तक, अभी कितना होता है? 20-25% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं। आपका अगला है डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन को 12 kg per capita तक बढ़ाना, अभी कितना है? 5-6 kg per capita। इसके अलावा है कि 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को याद रखने हैं, नहीं तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ देने से इतना फायदा होता नहीं है क्योंकि आप लोग उसको जो है डाउनलोड करेंगे और बंद बोरिए में डाल देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जब सुन रहे हैं इसी समय नोट्स बना लें। ठीक है, अब जो 20,000 करोड़ रुपए है इसमें से 11,000 करोड़ रुपए जो है किस पे होगा? मराइन और इनलैंड फिशरीज पे खर्च किया जाएगा। किस पे? तो मराइन इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर पे। और 9,000 करोड़ रुपए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया जाएगा। और इसको जो है क्या होगा, इससे देश में ब्लू रेवोल्यूशन आएगा। क्या आएगा? देश में ब्लू रेवोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये था प्रोग्राम के बारे में। क्या है प्रोग्राम का नाम? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री होस्टेड द
वेबिनार ऑन गोल प्रोजेक्ट। तो किस केंद्र मंत्रालय ने गोल परियोजना पर वेबिनार की मेजबानी की? तो ये किसने, तो ये ट्राइबल मंत्रालय ने। तो जनजातीय मंत्रालय जिसके कि मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा, उन्होंने फेसबुक के साथ मिलकर एक वेबिनार किया जिसका नाम है गोल प्रोजेक्ट। और गोल का फुल फॉर्म क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो जितने भी लीडर्स हैं, जिस भी उससे बिजनेस से मार्केटिंग से जितने भी लीडर्स हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और ट्राइबल पीपल्स को सेनिटर वो करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे लीडर्स को कि क्या ट्राइबल पीपल्स की प्रॉब्लम है और कैसे इसको एड्रेस किया जाए। सो फेसबुक के साथ मिलकर क्या किया है कि आपका जनजातीय मंत्रालय ने, तो वेबिनार कंडक्ट किया है। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि किस कंपनी के साथ, तो फेसबुक के साथ, ठीक है। अब हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, तो रामविलास पासवान। ये आपको पता होगा लेकिन फिर भी कह दे रहा हूं क्योंकि कहने से एक बार दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है और आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नवे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नवा क्वेश्चन है कि विच स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च रिफाइनर स्टैंडर्ड्स फॉर BIS स्टैंडर्ड गोल्ड। सो BIS स्टैंडर्ड गोल्ड के लिए कौन से स्टॉक एक्सचेंज ने रिफाइनर स्टैंडर्ड लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब यहां देखिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो भारत का अग्रणीय लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है, उसने NSE रिफाइनर स्टैंडर्ड्स जो है BIS स्टैंडर्ड गोल्ड के लिए लॉन्च किया है। और इससे होगा क्या कि जो भी गोल्ड बार्स प्रोड्यूस किया जा रहा है डोमेस्टिक रिफाइनर्स द्वारा, वो जो है यहाँ पे ट्रेड होगा और उसका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें सेटलमेंट भी होगा। कहाँ पे, तो NSE प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। क्या, तो जो भी गोल्ड आपका बार प्रोड्यूस होता है, अब वो गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड होगा NSE के प्लेटफॉर्म पे। तो ये है आपका NSE रिफाइनर स्टैंडर्ड्स फॉर BIS स्टैंडर्ड गोल्ड, और ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत लिया गया एक कदम है। अब NSE की जब बात उठी है, तो NSE 1992 में आया था। इसके चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और MD CEO है विक्रम लिमाय। अब बाकी जो ऑप्शन है वो देख लीजिए उनके, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 9 जुलाई 1877 को आया था, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन है जस्टिस विक्रमजीत सेन और CEO है आशीष कुमार चौहान। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये आपका 10 नवंबर 2003 को आया था, ये मुंबई में हेडक्वार्टर है, सौरभ चंद्र यहाँ के चेयरमैन है और PS रेड्डी CEO है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज जो है, ये 15 दिसंबर 2003 को आया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और विजय कुमार वेंकटरामन इसको क्या है, तो इसके चेयरमैन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज नेम्ड बॉशियन गेर एज न्यू रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया। सो किस देश ने बॉशियन गेर को भारत के लिए अपना नया राजनयिक नियुक्त किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी कि ताइवान। सो ताइवान ने किसको नियुक्त किया है रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के लिए, तो बॉशियन गेर को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका सी, ताइवान, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, सो ताइवान चूंकि हमें पता है कि वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत आता है। सो वन चाइना पॉलिसी मतलब क्या है कि एक नेशन रहेगा लेकिन टू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहेंगे। तो केवल दो ऐसे रीजन है जो कि वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, वो कौन से हैं, आपका ताइवान और हांगकांग। और ये दोनों ही रीजन क्या है, ये स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, यानी कि क्या है, ये SAR, ठीक है, SAR स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, आपको ये याद रखना है। तो चूंकि ये वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत आता है ताइवान, तो इसीलिए ताइवान के जो है भारत के साथ फुल और फॉर्मल डिप्लोमेटिक या राजनयिक संबंध नहीं है। लेकिन ताइवान ने 1995 में ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर जो है इसको जो है 1995 में एस्टैब्लिश किया था, और यहीं पे जो है ताइवान का जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पे क्या है कि बैठता है, ठीक है। इसके अलावा जो ताइवान के अभी जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट हम बात करें, तो ताइवान के जो प्रेसिडेंट है साई इंग वेन, तो इन्होंने क्या लॉन्च किया था, न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी। ये आपको याद रखना है क्योंकि ताइवान अभी जो है काफी न्यूज में है, चाइना भी न्यूज में है, तो न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी आपको याद रखना है। ये 2016 में ताइवान के प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने लॉन्च किया था, और इसका मकसद ये था कि भारत के साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और पीपल टू पीपल लिंकेजेस को बढ़ाना। क्या, तो न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी।
और ये देख सकते हैं कि ये रहा आपका ताइवान। आप देख सकते हैं मैप में चाइना के आपके ईस्ट में है ताइवान, और ये ताइवान स्ट्रेट है चाइना और ताइवान आइलैंड के बीच में, और इसके नीचे जो है आपका साउथ चाइना सी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और कैपिटल क्या है इसकी, ताइपाई इसकी कैपिटल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा 11वां क्वेश्चन है कि द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव ग्रोन एंटीबॉडी इन लैब टू ट्रीट कोरोना वायरस पेशेंट्स। तो कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में एंटीबॉडी विकसित की है, यह बहुत ही अहम न्यूज है, आपको याद रखनी है। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि यूएसए, अमेरिका ने, ए करेक्ट ऑप्शन है। तो देख लेते हैं, तो यूएस के साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लैब में डेवलप किया है जिसका नाम है REGN-CoV-2। क्या नाम है, REGN-CoV-2। सो ये जो है लेट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल्स में पहुंच चुका है अमेरिका में, और ये क्या COVID-19 के डिजीज को प्रिवेंट और ट्रीट करेगा। इसके अलावा इसको डेवलप किया है यूएस की बायोटेक्नोलॉजी फर्म रीजेनेरॉन ने, और इसके अंतर्गत क्या है कि REGN-CoV-2 के अंतर्गत क्या है कि दो एंटीबॉडीज जो है नॉन कॉम्पिटिवली जो है बाइंड करते हैं किसके, तो वायरस के स्पाइक प्रोटीन को, जिससे कि इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है। तो जैसा पता है ना कोरोना वायरस का क्या है, ये स्पाइक प्रोटीन है ना, ये 3 स्पाइक प्रोटीन है, तो यहां जाके ये बाइंड करेगा किसके, तो REGN-CoV-2 के 2 एंटीबॉडीज, और इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा। अब बात उठती है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है ये लैब मेड प्रोटीन्स है जो कि नेचुरल एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करते हैं, और क्या करते हैं ये वायरस को आइडेंटिफाई करके उनसे बाइंड होकर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, और ये अभी करेंटली किन डिजीजेस में यूज किया जा रहा है, तो आपका कैंसर्स में, अस्थमा पेशेंट्स में, क्रॉन्स डिजीज में, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, इन डिजीजेस में इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यानी कि लैब मेड एंटीबॉडीज का यूज हो रहा है। ये आपको एकदम याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ऑप्शन आ सकता है कि इनमें से किस डिजीज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज नहीं होता है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जब बात उठी है एंटीबॉडी पे, अभी हमने जो है क्या है कि क्लीन एंड किल फिल्टर, एयर फिल्टर की बात की थी, किसकी, क्लीन एंड किल एयर फिल्टर की बात की थी, जो कि कहां डेवलप हुआ, जो कि ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ था। तो ये भी करंट अफेयर्स है, आपको याद रखना, अभी मैंने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, क्लीन एंड किल एयर फिल्टर ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, जिसमें कि निकल फोम कोटेड से ये फिल्टर को बनाया गया है। ओके, इसके अलावा भारत में प्लाज्मा बैंक जो है सबसे पहला कहां, तो दिल्ली में आया, सेकंड जो है आपका वेस्ट बंगाल में, और दिल्ली में कहां पे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस, और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसको जो पूरा जो देख रहे हैं वो कौन है, डॉक्टर सरीन है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में कहां आया, तो कोलकाता जो है मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्लाज्मा बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, अब लेकिन सबसे पहले जो है प्लाज्मा बैंक जो है, प्लाज्मा का यूज कहां गया, सबसे पहले प्लाज्मा का यूज कहां किया गया, तो ये लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में यूज किया गया था। कहां, तो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा का यूज किया गया था COVID-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब प्लाज्मा में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्लाज्मा में भी क्या है कि एंटीबॉडीज प्रदान किया जाता है जो ठीक हो जाते हैं, जिनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं COVID-19 से जो ठीक हो जाते हैं, तो उससे प्लाज्मा से एंटीबॉडीज को निकाल के जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उनको दिया जाता है। और अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिनको ठीक किया गया प्लाज्मा से वो कौन है, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हेग सोफिया म्यूजियम इज इन विच कंट्री। तो हेग सोफिया संग्रहालय किस देश में है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि टर्की में। और ये हमने क्यों पूछा, क्योंकि कल जो है टर्की की कोर्ट ने रूलिंग दिया कि जो हेग सोफिया म्यूजियम है, जो कि 1934 में म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था, किनके द्वारा, तो आपका मुस्तफा कमाल अतातुर्क द्वारा। आपको ये याद रखना है, मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो कि टर्की, मॉडर्न टर्की के फाउंडर माने जाते हैं, कौन, तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क। तो इन्होंने 1934 में हेग सोफिया को मॉस्क से म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन कल टर्की की कोर्ट ने रूलिंग दिया कि हेग सोफिया जो है ये एक म्यूजियम नहीं, मॉस्क में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, और इस मॉस्क का नाम क्या होगा, असोफिया मॉस्क, असोफिया मॉस्क, आपको याद रखना है, असया, सॉरी असया फोया मॉस्क। ठीक है, ये इसका नाम है। अब
जब हेग सोफिया की बात करते हैं तो हेग सोफिया यहां देखिए मैं आपको दिखा दूं, तो हेग सोफिया आपका ये रहा, और ये जो है आपका 1493 में क्या हुआ था, ओटोमन अंपायर जो कि मुस्लिम इन्वेडर थे, इन्होंने आके इसको कन्वर्ट कर दिया था मॉस में। इससे पहले जो है बाइजेंटियन एम्पायर जो थी, ठीक है, वो यहाँ पे क्या था, तो बाइजेंटियन एम्पायर थी तो ये एक चर्च था, लेकिन दोनों ही इसको मतलब कि काफी जो है रेवरेंट मानते थे। तो 1934 में कमाल अतातुर्क ने इसको एज अ म्यूजियम जो है कन्वर्ट कर दिया था, और ये एक यूएन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसका मॉस्क में कन्वर्ट होना, फिर से हम बोल सकते हैं टर्की में जो वहां के प्रेसिडेंट है कौन, तो रेसेप तैयप अर्दुगन, कौन तो रेसेप तैयप अर्दुगन, तो वो एक पायस मुस्लिम है, और वो एक तरह से समझिए कि टर्की को एक मुस्लिम डोमिनेंट देश फिर से बनाना चाहते हैं, जबकि टर्की क्या था, एक डेमोक्रेटिक नेशन था, ठीक है। तो ये चीज है, तो आपको ये याद रखना है। अब जब ये चार ऑप्शन दिए हैं तो इन चारों ऑप्शन के कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान के कौन है, तो आपका नूर सुल्तान है, करेंसी है टेंगे, और है कसाम जुमात तोकायेव, यहां के क्या है आपके, क्या है तो प्रेसिडेंट है। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद, और क्या करेंसी है मन्नत, और प्रेसिडेंट है गुरबांगुली बर्दिमू, बर्दिमुहू मिदौ, ठीक है। उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, करेंसी है सोम, और यहाँ के प्रेसिडेंट है शवकत मिर्जियोयेव, ठीक है, ये आपको याद है रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि नूर सुल्तान जो है, पहले इसको हम लोग अस्थाना बोलते थे, जो कि 1997 में अस्थाना का नाम बदल के क्या कर दिया गया, नूर सुल्तान। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है Who will head independent panel set up by WHO to review its handling of COVID-19? तो WHO द्वारा COVID-19 के अपने संचालन की समीक्षा करने के लिए गठित स्वतंत्र पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। सो हेलेन क्रार्क, ये न्यूजीलैंड की जो है प्रधानमंत्री थी, एलेन जॉनसन सरलिफ, ये लिबेरिया की प्रेसिडेंट थी, और टेड्रोस अदामोम गेब्रेयेसस, ये क्या है, ये WHO के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल हैं, और ये COVID-19 के दौरान जो है काफी क्रिटिसिज्म में आए हैं, और हमें जैसा पता है कि अमेरिका ने WHO से जो है अपनी मेंबरशिप जो है उसको खत्म कर दिया है, और उसने जो है अभी दो दिन पहले ही नोटिफाई भी इसको कर दिया था कि 2021 से WHO से US अलग हो जाएगा। तो खैर, वो तो अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप के अंतर्गत जो है हर चीज से अपना जो है अलग ही होना चाहता है, जैसे पेरिस क्लाइमेट समिट से भी वो अलग हो गया था, ठीक है। तो हेलेन क्लार्क कौन है, तो न्यूजीलैंड की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, एलेन जॉनसन सरलिफ ये जो है आपकी लिबेरिया की प्रेसिडेंट फॉर्मर है, ठीक है। सो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है। अब बात आती है यहां पे जो है, हमने अपना करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त किया, और मैंने जैसा कहा था कि आज का डिस्कशन क्या होगा, तो आज का डिस्कशन होगा कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पे। ये जो है इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा ऑफर किया जाएगा, जिसको कल इरडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो 1999 में आई थी, तो इसने जो है इसको मान्यता दे दी है। ये दो जो है एक से समझिए कोरोना इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम है, ठीक है। अब इसमें है क्या कि कोरोना कवच में क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट होगा ये किसी भी कोमॉर्बिड कंडीशंस के लिए दिया जाएगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग ही क्यों ना हो, चाहे कि आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोरोना वायरस होता है तो अब आप इसके कोरोना कवच के अंतर्गत कवर होंगे। इसके टेन्योर जो है 3.5 महीने से लेकर 9.5 महीने रहेगी, कितनी, 3.5 महीने से लेकर 9.5 महीने रहेगी, और इसमें मिनिमम सम जो इंश्योर्ड होगा वो कितना होगा, 50,000 रुपए, और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड होगा कितना होगा, 5 लाख रुपए, और इस पे हेल्थ केयर वर्कर्स को 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा कोरोना कवच जो है होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस को भी 14 दिन के लिए कवर करेगा। अभी देख रहे हैं ना कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप क्या हो जाओ, आप होम क्वारंटाइन हो जाओ, तो ये होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस को भी कवर करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कोरोना कवच। अब इसके अलावा जो है हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर्स, इनका जो है बहुत हेफ्टी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तो इस कोरोना कवच के अंतर्गत इसका भी कॉस्ट जो है कवर होगा, और ये बहुत बड़ी जो है राहत लेकर आया है। जो भी पेशेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि हमें मतलब कि कहीं डर है कि कोरोना ना हो जाए, कैसे इलाज होगा, इतना महंगा है, तो ये इरडा द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लाया गया है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक इंडेमनिटी पॉलिसी है कोरोना कवच, ठीक है।
अब करोना रक्षक की बात करें तो करोना रक्षक में क्या है कि एक प्री अग्रीड लंप सम दिया जाएगा अगर करोना से आपको डायग्नोज किया जाता है तो, जिसमें मिनिमम सम इंश्योर रहेगा 50,000 रुपए और मैक्सिमम लिमिट होगा 2,50,000 रुपए। और ये सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसमें जो है 100% सम आपको दे दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर को अगर वो जो है हॉस्पिटलाइज होता है, और कितने दिन के लिए, 72 दिन के लिए, सॉरी 72 घंटे, 3 दिन में ये जो है पूरा 100% सम दे दिया जाएगा, चाहे 50,000 या फिर 2,50,000 रुपए। ठीक है, अब इन दोनों स्कीम की जो मिनिमम एंट्री एज है वो कितनी है, वो 18 साल है, मैक्सिमम है 65 साल, और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनको 3 महीने से लेकर 25 साल तक के बच्चों को क्या माना गया है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन माना गया है। ठीक है, तो करोना कवच और करोना रक्षक, ये था आज का डिस्कशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक डीके में क्या है कि साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं। साउथ अफ्रीका है 3 कैपिटल्स, प्रेटोरिया एग्जीक्यूटिव, केप टाउन लेजिस्लेटिव है, ब्लोमफेंटम जुडिशियल है। सेकेंड, एलोपो एंड कैपिटल सिटी डेमेस्कस आर अमंग द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। तो वाराणसी जो है ये ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटीज इन द सिटी इन द वर्ल्ड है। इसके अलावा एलेपो और कैपिटल सिटी जो सीरिया की कैपिटल सिटी है डेमेस्कस, ये भी उसी में आते हैं। सीरिया का पुराना नाम क्या है, लेवांत। ठीक है, जिस मेडिटेरियन रीजन को भी हम लोग लेवांत बोलते थे। अब रीवा चूंकि हुआ है तो रीवा का ऑल्टरनेटिव नेम है नर्मदा। रीवा जो है एकमात्र फर्स्ट व्हाइट टाइगर सेंचुरी जो है कहां पे है, ये आपके रीवा के मुकुंदपुर में है, और ये वर्ल्ड का एकमात्र टाइगर से व्हाइट टाइगर सेंचुरी है। ठीक है, और जो फर्स्ट व्हाइट टाइगर था जिसका नाम था मोहन, इसको रीवा में 1951 में राजा मार्तंड सिंह, जिन जो कि गोविंदगढ़ पैलेस में रहते थे, वहां पे इस व्हाइट टाइगर को जो है लाया गया था, जिसका नाम क्या था, मोहन। रीवा में जो है वाटरफॉल्स है, आपको याद रखने हैं, कियोती, पूर्वा और बहुती, ये वाटरफॉल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा रेवा में देउर कोथार जगह है जहां पे बुद्धिस्ट स्तूपास पाए गए हैं, जो कि अशोकन टाइम के उसमें क्या है कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो बुद्धिस्ट स्तूपा जो है, क्योंकि ब्रह्मी अशोका जो है वहां पे ब्रह्मी लैंग्वेज चलती थी, लेकिन जो बुद्धिस्ट एज था उस दौरान पाली चलती थी, तो यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ठीक, किसमें, तो देउर कोथार में। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन 9 नवंबर 2014। BSE जो है ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और वर्ल्ड का सबसे दस दसवां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। फिर ताइवान जो है इसको यूनाइटेड नेशन में चाइना द्वारा रिप्लेस किया गया था, कब, 1971 में। उससे पहले क्या था, ताइवान ही जो है क्या था कि चाइना में ताइवान ही यूएन में रिप्रेजेंट करता था। ताइवान का पुराना नाम है फॉर्मोसा आइलैंड। फिर एक बुक अभी न्यूज में आई है, क्योंकि क्वाड हमने देखा था ना, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे, तो बुक उसके अंतर्गत एक हमने लिया है, वो क्या है कि बुक क्लैशिंग टाइटन्स मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड इनसिक्योरिटी अमंग एशियन ग्रेट पावर्स। ये लिखी किसने है, राजेश्वरी पिल्लई राजगोपालन ने। और कजाकिस्तान जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो ये इतने आपको जीके जो है, और प्लस जो हमने ऑप्शंस के साथ डिस्कस किए, ये आपको आज के जीके से मिल जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अंत तक तो जरूर देखिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है आज अपना सेशन समाप्त करते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जी हाँ, जाने से पहले लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जी हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा, प्लस बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद, अलविदा।